अब आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी नहीं तो आपको डिग्री नहीं देंगे। ऐसा क्यों माना जाता है कि हिंदी पूरे देश की लैंग्वेज है, जबकि कभी थी भी नहीं, कभी हो भी नहीं सकती। आप उनसे अगर ये एक्सपेक्ट करो कि इतनी 18 साल की एजुकेशन के बाद वो हिंदी सीखे, ये एक सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर है उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी सेक्लूडेड फील करते हैं। आप जब ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में आके बोलते हो कि हम एज एन अथॉरिटी हिंदी इम्पोज कर रहे हैं आपके ऊपर, तो आप ये भूल रहे हो कि ये इंडिया है, हिंदुस्तान है, इसमें हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। किसी भी ऑफिशियल पेपर पे हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज कभी थी ही नहीं। ये एक ऐसा देश है जहाँ पे हर टाइप के बच्चे हैं, हर स्टेट से बच्चे आते हैं, साउथ इंडियन, नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स, उन बच्चों से आप हिंदी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। वो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी कभी पढ़ी ही नहीं है। आप अगर NEP की आज बात करो, क्या कर रहा है मोदी गवर्नमेंट, कर क्या रही है, वो क्या चाहती है? एट दी एंड वो चाहती है कि एक वन नेशन वन लैंग्वेज बना दे, जो हमारे लिए हम सूट कर ही नहीं सकती है। हम दुबई से छोटा देश नहीं है, हम इतना सा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पे आप एक लैंग्वेज इम्पोज करना, मतलब आप एक ही उसमें बांध रहे हो इनको। आप उन्हें बोल रहे हो आप हिंदी नहीं पढ़ोगे तो आपको, आप एजुकेशन डिजर्व ही नहीं करते, हम आपको डिग्री नहीं देंगे, आपको जॉब नहीं देंगे, आपसे करियर छीन लेंगे। हम आपसे वो करियर छीन लेंगे जिससे आपने सालों मेहनत करी है, 18 साल की एजुकेशन आप स्पेंड करके, अपने पेरेंट्स का मनी स्पेंड करके, आप सब कुछ, आप इतनी मेहनत करके आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो जहां आप डिजर्व करते हो, आपको हम डिग्री नहीं देंगे क्योंकि आपको एक लैंग्वेज नहीं आती जो आपको कभी सीखने के लिए हमने कहा ही नहीं। आप बचपन में नहीं सीखे, वो आपने कभी स्कूल में नहीं पढ़ा, अपने दोस्तों से कभी बात नहीं करी, घर पर कभी बात नहीं करी, पर नहीं, अब आपको हिंदी सीखनी पड़ेगी नहीं तो आपको डिग्री नहीं देंगे। आप क्या करना चाह रहे हो? आप उनके दिमाग में भर रहे हो कि ये देश वैसे चलेगा जैसे हम चलाना चाहेंगे, ये देश वैसे ही चलेगा जैसे हम चाहेंगे। हिंदी सीखोगे आप स्किल सेट के नाम पे हम आपको डिग्री तभी देंगे जब आप योगा जैसे पेपर्स पढ़ोगे, आपको हम डिग्री तभी देंगे जब आप इन पेपर्स के नाम पे हमारे लिए काम करोगे, मिड लेवल जॉब पे जाओगे, 20-30 हज़ार की नौकरी ले लोगे और आप खुद अपने लिए पढ़ ही नहीं रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए भी नहीं पढ़ रहे हो, आप हमारे लिए पढ़ रहे हो, आप जितनी मेहनत कर रहे हो आप हमारे लिए कर रहे हो। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जिन्होंने भी इन कोर्सेज को बदला है ना, इन्होंने बहुत सोची समझी साजिश करी है इन लोगों के साथ। हमारे पहले जो अभी आप सब्जेक्ट ले रहे हो, जैसे आप साइकोलॉजी ले रहे हो फॉर एग्जाम्पल, आपके क्रेडिट्स उन कोर पेपर्स के ज़्यादा होते थे, अब उन कोर पेपर्स मतलब साइकोलॉजी की डिग्री में साइकोलॉजी के क्रेडिट्स कम हो गए हैं। अब आप योगा जैसी डिग्री, आयुर्वेदा जैसी डिग्री पे भी अपना टाइम स्पेंड करोगे, जो एजुकेशन पे आपको टाइम अपने खुद के कोर्सेज पे करना चाहिए तो आप नहीं करोगे। अब आपको डिग्री किस बेस से मिल रही है? जैसे आपने अगर NEP में आप ढंग से पढ़ोगे आपको पता लगेगा कि जो उन्होंने कोर पेपर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जो और पेपर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, उन्होंने कोर पेपर्स की जो सब टॉपिक्स है वो कम कर दिए हैं। आप जो भी डिटेल में पढ़ना चाह रहे हो आपको पढ़ने को मिलेगा ही नहीं। अब आप जिस डिग्री में एडमिशन लेके आओगे आपसे वो भी छीन रहे हैं वो लोग। आपको हर चैप्टर का उन्होंने 3-3 चैप्टर काट दिए हैं। मेरी खुद के जूनियर से बात करी है मैंने, जो चैप्टर पे मैंने खुद 5-5 महीने लगा के 5-5 सब टॉपिक्स पढ़े हैं, 3 उन्होंने डायरेक्ट काट दिए क्योंकि उनके पास है ही नहीं। वो लोग योगा जैसे कोर्सेज लेके आ रहे हैं, आयुर्वेदा से कोर्स लेकर आ रहे हैं क्योंकि उनको अपने हिसाब से पूरा एजुकेशन सिस्टम रिवॉल्व करवाना है कि हम बच्चों को मिड लेवल जॉब्स के लिए प्रिपेयर करवाएंगे, इनको हिंदी सिखाएंगे, इनको हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि इनका एंड गोल यही है। ये इनको वही सिखाना चाह रहे हैं जो मतलब इनके जो इनका प्रॉपर इनका मोटिव ही यही है एट दी एंड कि ये लोग इनको अपने हिसाब से पढ़ाए, इनको लेबर जॉब्स के लिए भी प्रिपेयर करवाए। NEP का पूरा मोटिव ही एट दी एंड यही है। अच्छा, काफ़ी जो पॉलिटिशियंस हैं उनके जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ क्या, वहाँ पे भी तो वो भी तो लैंग्वेज सीख रहे हैं अलग अलग टाइप की, और आज तो डिजिटल हो गया इतना इंडिया, लैंग्वेज की और अग्रसर हो रहा है इतना, अलग अलग लैंग्वेजेस, यहाँ तो हिंदी इंग्लिश पे ही जो है। यही तो मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि जो इनकी थॉट प्रोसेस है ना वो एक बहुत छोटे एंड पे आके टिक गई है। आज तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं, हम हमारे लिए इंग्लिश पढ़ना क्यों ज़रूरी है? आप जब जॉब्स में जाते हो, आप जब इंटरव्यूज में जाते हो, आप जब बाहर पढ़ने जाते हो, आपको पता है कि एज अ वो आपको इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, बट हिंदी पढ़ना ज़रूरी किसको कहा है? आपको स्कूल में बचपन से इंग्लिश पढ़ाते आ रहे हैं ना, साथ में आप वो लैंग्वेज पढ़ते आ रहे हो जो आपकी स्टेट की लैंग्वेज है। जैसे मेरे खुद के भाई बहन जो पंजाब जलंधर में रहते हैं वो पंजाबी पढ़ते हैं और साथ में इंग्लिश पढ़ते हैं, अब वो उनको हिंदी पढ़ने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हैं? मैं खुद बचपन से हिंदी इंग्लिश पढ़ती आ रही हूँ क्योंकि मैं ऐसी स्टेट में रहती हूँ जहाँ मुझे हिंदी पढ़ना जरूरी है इनके हिसाब से, पर जो मेरे भाई बहन पंजाबी और इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं उनको हिंदी पढ़ना क्यों जरूरी है? जो लोग बचपन से अपनी खुद की लैंग्वेज, अपनी स्टेट की लैंग्वेज, अपने परिवार की लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं वो हिंदी क्यों पढ़े? दैट इज़ आर ओनली क्वेश्चन। अगर उनको वो लैंग्वेज जो उनके लिए नेसेसरी है दैट इज़ इंग्लिश एंड एक ऐसी लैंग्वेज जो उनको बचपन से पढ़ाई जा रही है क्योंकि उनके परिवार वही बोलता है, उनका स्टेट वही बोलता है, तो फिर हिंदी क्यों ज़रूरी है? ऐसा क्यों माना जाता है कि हिंदी पूरे देश की लैंग्वेज है जबकि कभी थी भी नहीं, कभी हो भी नहीं सकती?
इसमें तो इतना बड़ा मसला होना ही नहीं चाहिए। हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन पेपर तक में भी हिंदी और इंग्लिश ऐसे करके आता है, क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यहाँ इतना बड़ा मसला क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप इनका मोटिव ही देखो ना एट दी एंड। आपको भी पता है कि हम जब आप चाहे एंट्रेंस एग्जाम के पेपर देखो, आप किसी भी एग्जाम के पेपर देखो, मेरे खुद के कोर्स के पेपर देखो, पेपर हिंदी में बनता है और इंग्लिश में बनता है। आप हिंदी इम्पोज कर ही कैसे सकते हो? आप इतने से आप पूरे एजुकेशन सिस्टम को एट दी एंड क्या ला के छोड़ रहे हो कि मैं पूरे इंडिया पे एक वो लैंग्वेज इम्पोज करूंगा जो किसी बच्चे ने आज तक बचपन से आधे से ज्यादा बच्चे बोलते नहीं है, कभी उन्होंने पढ़ी नहीं है। हम वो इम्पोज करेंगे उनके ऊपर, हम उन्हें बोलेंगे कि तुम इस देश में पढ़ते हो तो तुम्हें हिंदी पढ़नी पड़ेगी, चाहे तुम्हें चार लैंग्वेज बचपन से पढ़ी हो, तुमने अपने स्टेट की लैंग्वेज पढ़ी हो, बट तुम्हें हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी। हम तुम्हें सिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान में जाकर तुम्हें हिंदी पढ़नी ही पड़ेगी, नहीं तो हम तुम्हें एजुकेशन का जो तुम डिजर्व करते हो वो भी नहीं देंगे, जो तुम्हें स्टेट देना चाहती है, जो तुम्हें स्टेट को तुम्हें देना चाहिए हम वो भी नहीं देंगे।